जिस तरीके से हमारी गलियों के मोहल्लों के अंदर जो भगवा लहरा करके और फैसली कुछ के नारे लगवा करके ईवीएम के मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, नौकरियों के मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं और तमाम सारी जो शिक्षाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है उनसे जो भटकाने ज्यादा खोखला नहीं होगा। अभी जो ये 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हुआ था, एक प्रकार का धार्मिक उन्माद पैदा किया गया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर, सारी संस्थाओं को कब्जा कर दिया है। अब समाज ज्यादा खोखला नहीं होगा, तो भूखा भूख हर किसी को लगती है, राजनीतिक भूख भी लगती है और रोटी की भूख भी लगती है। आज समाज के लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि आपको जिस तरीके से हमारी गलियों के मोहल्लों के अंदर जो भगवा लहरा करके और फैसली कुछ के नारे लगवा करके ईवीएम के मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, नौकरियों के मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं और तमाम सारी जो शिक्षाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है उनसे जो भटकाने का काम है, ये आगे और नहीं चलेगा, नहीं बर्दाश्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय जोगी, जय समाज सेवा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है और 10-11 साल पहले जो मैं रिटायर हुआ था मैंने एक साथ में रिटायर लिया था, तो काफी जानकारी या धन है समाज के बारे में और कई प्रदेशों में गया हूँ। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है जो समाज के अंदर सामाजिक विभाजन है ये हमारा कारण है संगठित न होने का। और आज भी इन वर्गों के लोग सभी अपनी पहचान अलग अलग से बना कर रखते हैं, अलग अलग से पहचान बना कर रखते हैं। दलितों में भी ये पहचान, दलितों के अंदर भी है ये पहचान, ओबीसी के अंदर भी है ये पहचान, एससी के अंदर भी है। लोग सैकड़ों संगठन बनाए बैठे हैं, लेकिन उनका नतीजा जीरो निकलता है और लोग सभी का शोषण करते हैं और हमारे साथ अन्याय करते हैं और हमारे अधिकारों का हनन होता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, मैं सुबह एक कार्यक्रम देख रहा था कि उसमें दलित शक्ति, दलित लोगों में कई लोग दिखाए गए, भाई अरबपति हैं और हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उनको न्याय इसलिए नहीं मिला, उनको मान सम्मान इसलिए नहीं मिला कि वो दलित समाज से हैं, वो ओबीसी समाज से हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे साथ सदियों से होता रहा उसको यदि आज हम दोनों उसका मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें अपनी जो जातीय पहचान है और जो अलग अलग वर्गों के आधार पर हमारी पहचान है उस पहचान को छोड़कर जो हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं और जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं उन सब में सबसे ऊपर नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। दोस्तों जितने भी वो बाद में हुए हैं वो बाबा साहब की विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भी संघर्ष किया और वो भी आज दोनों समाज के लोग उनको मानते हैं या उनको पूछते हैं। लेकिन जो मेन मुख्य जो योगदान रहा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। आज भी सैकड़ों देशों में बाबा साहब की प्रतिमाएं, स्टैचू लगाए गए हैं और उनको विदेशी लोग, विदेशों में लोग मानते हैं कि ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, ही इज अ ग्लोबल मैन, कहते हैं कि ये दुनिया का महामानव है, ये कहते हैं विदेश के लोग और कहते हैं कि ये वो बुद्धिजीवी है, वो ज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम मानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यहाँ पर लोग आज भी कहते हैं अरे भाई ये तो दलितों का नेता है, ये दलितों का नेता है। हम भी संस्थाएं, हमने बहुत संस्थाएं चलाई है, आप भी चलाते हैं, हम जहाँ रहते हैं समण लोगों के, समण लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ आज भी हमारे लोग
इस चाहते हैं कि हम बाबा साहब का झंडा लेकर चले और अपनी पहचान बताकर चले। अभी जो ये 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद वो एक प्रकार का धार्मिक उन्माद पैदा किया गया। उस धार्मिक उन्माद में हमारे जो लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया है कि हम अकेले हैं। तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें संचित होना चाहिए। हमारी आबादी कितनी है? उन लोगों की आबादी 16% आबादी है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर, सारी संस्थाओं को कब्जा कर लिया है। चुनाव होते हैं तो वोट को जो हमारा मताधिकार है बाबा साहब ने दिया, उस मताधिकार की चोरी होती है, इसलिए सत्ता में आते हैं। बार बार जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार को क्या परेशानी लाई? आप बोले ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे जगह जगह बैठ के, आप उसमें चुनाव में पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, स्वतंत्र फेयर इलेक्शन हो, तो लेकिन ये वो नहीं करना चाहते क्योंकि सत्ता इनके हाथ लगी। और ये एक बार अमित शाह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता से बाहर नहीं जाएगी, तो ये इसी का कारण है कि ये चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है और हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो साथियों, मैंने जो बताया कि आप अपनी जो जातीय पहचान पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन बातों को दरकिनार कर दीजिए और एक बड़ी छाता के नीचे, छतरी के नीचे आ जाइए। सत्ता आप लोगों के हाथ में हो सकती है और यदि आप बिखरे रहेंगे तो ये 15-16% लोग हमारे ऊपर राज करेंगे और आने वाला समय होना, अगर ये सत्ता में आए 2024 में, बहुत ही बड़ा समय होगा, संविधान को बदला जाएगा और हमारे जो मोदी का अधिकार है वो खत्म किए जाएंगे और नौकरियां खत्म कर दी गई है, निजीकरण किया कर दिया गया है। तो साथियों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ संगठन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। 25,000 करोड़ 80,000 करोड़, लेकिन शुरुआत के लिए 100 करोड़ रुपए के आसपास का लिमिटर। दूसरा क्या है, आप एक ज्वाइंट वेंचर अलाट करिए। ज्वाइंट वेंचर का तरीका क्या हो सकता है? दो एस सीज की कंपनी है, एक एस सीज की कंपनी है, एक एस टीज की कंपनी है, एक एस सीज की कंपनी है, एक ओबीसी की कंपनी है, आप इलाज करिए कि दोनों मिलकर काम करें। हम ऐसे नहीं 500 करोड़ पुराएंगे, दो कंपनी मिलकर 500 करोड़ पुराएंगे। हम ऐसे नहीं 1,000 करोड़ पुराएंगे, 4 कंपनी मिलकर 1,000 करोड़ पुराएंगे। लेकिन अगर आप भागीदारी दोगे तो राष्ट्र बनाओगे, हम उसमें अपनी भागीदारी ले सकते। जो ये लिया जाता है कि आप काम करके दो करोड़ पीजी, हमने कहा अगर मान लीजिए वो नहीं हो पाता, बैंक लोन देते हैं, आप हमसे ज्यादा ले लीजिए थोड़ा, या हम काम करके दिखाएंगे, अगर नहीं काम करके दिखाते तो आप हमसे ज्यादा ब्याज और ज्यादा कर वो वसूल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन SC ST OBC को उसी बात पर भागीदारी के साथ, जितने चैनल के जरिए लोगों को लोन मिलता है उसी हिसाब से SC ST OBC को भी मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर, इसका लाभ क्या होगा? अगर ये काम शुरू हो गया, आप मेरा स्लाइड देख सकते हैं, अगर हमने ये कर दिया तो हम जॉब मांगने वाले के बजाय जॉब देंगे। हमारी लड़ाई हम बार बार आरक्षण के नाम पर खड़े होकर यही डिमांड करते हैं कि हम जॉब मांगने वाले के ऊपर नहीं, हम तोड़ने वाले के ऊपर। जब आप ये कर पाओगे तो आप ये कर पाओगे तो आप जॉब देने वाले हो जाओगे। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको भागीदारी मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में आप ऊंचे पदों पर स्थापित होंगे और आपके पास पैसा आएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कॉन्फिडेंस होकर MP और MLA का चुनाव लड़ पाओगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि राजनीति इस देश की दिशा तय करती है। आज क्या होता है, हमारे समाज के लोग MP MLA तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हैसियत मजबूत नहीं होती तो उनको दूसरे के ऊपर, उनके ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। फिर वो उनसे काम करवाते हैं अपने हिसाब का, उनसे अपने हिसाब का नियम कानून करवाते हैं। अगर हमारे MP MLA को ये विश्वास होता है कि हम अपने धन पर, अपने समाज की ताकत पर चुनाव लड़के आए, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, तो आपको फेयर डील मिलने शुरू हो जाएगी, उनको पॉलिटिकल जस्टिस मिल
में टिकट आराम से मिलने लगेगा। और एक साथ जिस इक्विलिटी का सपना, जिस बराबरी का सपना हम देख रहे हैं और इस लिबर्टी का, इस गुलाम देश में एससी एसटी ओबीसी के लिए गुलाम देश है, आपको वो लिबर्टी मिलेगी और फिर इस देश का एक बेहतरीन देश का निर्माण होगा। इसको हम छोड़ देते सर, आप ये डिटेल्स ये सारे आपस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि टाइम का भी अभाव है साथियों, ये सारे स्लाइड और इस तरह के कम से कम 25 मुद्दों के ऊपर एक वैचारिकी बनाने के लिए WTP ने पूरा एक प्रेजेंटेशन बना रखा है। और मैं बड़े आराम से मैं सारे साथियों को कहता हूँ, इसको पब्लिक के बीच लेकर जाइए। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप इनको आगे लेकर जाइए। नौकरी की लड़ाई तो है ही, साथ में इस भागीदारी से 68 लाख करोड़ में से 50 लाख ले गए तो 34 लाख करोड़ रुपया अगर हमारे परिवारों में आने लगा तो इसमें भारत में हम लोग पीछे नहीं ले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद।